नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर में कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी जानकारी फॉर यू पर आकर इसे पढ़कर भी सीख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है। और उसके बाद आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे आगे भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे ये सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगर में कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में फॉक्सी फॉर्म टाइप कीजिए, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ फॉक्सी फॉर्म। टाइप करके उसके बाद सर्च कर दीजिए। ये मैंने सर्च कर दिया और ये देखिए, ये फॉक्सी फॉर्म की वेबसाइट ओपन हो गई। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने लिए अपने हिसाब से कैसा भी कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हैं। इसकी सारी सेटिंग यहाँ दी गई हैं, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कस्टमाइज करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट अस पेज में क्या क्या ऑप्शंस रखना चाहते हैं। ये देखिए, टाइटल, फर्स्ट नेम, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, स्ट्रीट, ये सब दिए गए हैं, वेबसाइट, फ़ोन, ये सब दिए गए हैं। तो मैं इसमें से कुछ चूज़ करूँगा, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, सेकंड सेटिंग में आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, फॉन्ट कलर कैसा होगा, फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं, किस टाइप का रखना चाहते हैं। इसके बाद ये फॉन्ट साइज भी है, यहाँ पर आप बिग, स्मॉल, वेरी बिग, ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैप्चा का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ये एंटी स्पैम प्रोटेक्शन है। अगर आप इसे अपने कॉन्टैक्ट अस पेज में यूज़ करना चाहते हैं तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, आई एम नॉट रोबोट के ये बॉक्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब सारी सेटिंग आप कर लें, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट फॉर्मूलर पे क्लिक कीजिए। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ये देखिए HTML कोड दिया जाएगा, इस कोड पे कॉपी करना है आपको। और कॉपी करने के बाद फिर वापस अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाइए। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको पेज पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करने के बाद आप एक न्यू पेज बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करने के बाद आपको HTML पे क्लिक करना है। HTML पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और ये उसके बाद पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश कर देते हैं। हमने पब्लिश कर दिया, उसके बाद इसे व्यू करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे ब्लॉग में कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड हो चुका है, यानी कि अब हमें कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। दोस्तों, कॉन्टैक्ट अस पेज की बहुत सारी फ़ायदे हैं। अगर आपसे कोई कंपनी ओनर या कोई विजिटर आपसे कुछ पूछना चाहता है या आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है डायरेक्टली, तो वो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब इसे देख लेते हैं कि ये यहाँ पे आपको
यहाँ पे विजिटर को नेम डालना होगा, ईमेल, उसके बाद यहाँ पे मैसेज करके कैप्चा पे क्लिक करके वो मैसेज सेंड कर देगा। उसके बाद ये मैसेज आपके सीधा ईमेल आईडी पे आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपसे कोई भी कंपनी ओनर जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी सर्विस के लिए, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब खूबियाँ हैं दोस्तों इसकी। अगर आप अपने ब्लॉगर में इस पेज को ऐड करना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, ये जितने भी डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेज एडसेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एडसेंस जब आपके वेबसाइट का रिव्यू करता है तो उसको ये सब पेज अच्छे लगते हैं, यानी कि वो इससे आपके वेबसाइट को प्रोफेशनल मानता है। तो इसके लिए आपको ये पेज ज़रूर ऐड करने चाहिए अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।